नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राशन कार्ड EKYC को लेकर। बहुत तेजी से ये वीडियो वायरल हो रहा है कि राशन कार्ड दोस्तों पूरे भारत में बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है सरकार की तरफ से। राशन कार्ड जितने भी मेंबर्स हैं सबको कराना होगा EKYC। यहाँ पे जैसे हम राशन कार्ड EKYC के बारे में सर्च करते हैं तो यहाँ पे बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, यानी बड़ी बड़ी जो अमर उजाला हुआ और आपका जी न्यूज हुआ, सभी कंपनी यहाँ पे टारगेट कर रही है राशन कार्ड अपडेट को लेकर, जो कि लाइव प्रूफ आपके सामने है। राशन कार्ड EKYC कराना अनिवार्य है, बताया जा रहा है 30 जून तक। तो इसको कैसे राशन कार्ड EKYC कराना होगा, उसके पहले आपको चेक करना होगा कि राशन कार्ड EKYC आपको ज़रूरी है या नहीं। उसके लिए आपको प्ले स्टोर में आना होगा और प्ले स्टोर में मेरा राशन सर्च करेंगे तो ये पहली लॉगिन हो लेंगे तो ऊपर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, हिंदी का इंग्लिश का, किसी को भी आप चूज कर सकते हैं, आपके ऊपर है। यहाँ पर आधार सीडिंग के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, इससे पता लगेगा कि आपको EKYC कराना है या नहीं कराना है मोबाइल फ़ोन से। यहाँ पर चाहे तो आप राशन कार्ड पर क्लिक करके राशन नंबर डालकर सबमिट कर सकते हैं, वरना आधार नंबर किसी भी परिवार का डालेंगे जिसका राशन कार्ड में नाम होगा, तुरंत ही पूरा डिटेल्स आ जाएगा। तो हम राशन कार्ड आधार नंबर डालकर अपना ही चेक करते हैं। डिटेल आ गया और यहाँ पे आधार सीडिंग का जो ऑप्शन आता है सभी यस, यदि आप में नो है तो आपको दिक्कत है। अब इस कंडीशंस में EKYC आपका होगा कैसे, ये आपके मन में सवाल आता है। तो सरकार इसके लिए बिल्कुल मुफ्त में आपको योजना लाई है, यानी आपका जहाँ पर भी राशन कार्ड लेते हैं, यानी राशन लेते हैं कोटेदार के पास, वहीं पर बायोमेट्रिक लगाकर अपना EKYC करा पाएंगे, जो कि EKYC कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है और इससे आपका राशन कार्ड भी नाम भी कट सकता है। इसको लाने का मेन उद्देश्य यह है कि जैसे आप देखे होंगे वृद्धा पेंशन्स, विधवा पेंशन्स और PM किसान सम्मान निधि योजना का KYC हुआ था, इसका मतलब जो भी मृतक है उसका भी राशन कार्ड लोग ले रहे हैं और कुछ लोग तो कुत्ते बिल्ली का भी नाम देकर राशन कार्ड में राशन उठा रहे हैं 5 KG। इसी वजह से सरकार बड़ी कदम उठाई है जिससे इसमें बहुत ज़्यादा अपडेट होने वाला है।